हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये देखिए, उड़ीसा का सीडीए बिजू पटनायक पार्क है। वो जो पहले थे अपना मुख्यमंत्री थे, अभी है नवीन पटनायक, उनका पिताश्री है वो। उनका नाम पे देखिए वो पार्क है। और हम आ रहे थे, लौट रहे थे, घर लौट रहे थे, ढेंकानाल से आ रहे थे कटक। तो वही सीडीए देके आ रहे थे, तो इधर देखे, सोचे कि अंदर जाके देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है उड़िया भाषा में बिजू पटनायक पार्क। और अंदर घुसे, बारिश का दिन है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये एंट्री है, बहुत बड़ा है। मेरा अंदर से हाथ 8-10 एकड़ होगा शायद, लेकिन हम पूरा घूम नहीं पाए, अंदर पूरा जान नहीं पाए। ये अपना बीवी है, आगे में जा रहे हैं। ये देखिए कितना शानदार लग रहे हैं देखने के लिए। सागवान का पेड़ है। ये देखिए गेट को मैं देखा रहा है। और देखिए हर तरफ ऐसे ही पूरा सीमेंट टाइला लगा हुआ है जाने के लिए। बहुत शानदार लगते हैं देखने के लिए। कितना घूमूंगा, घूम नहीं पाया थोड़ा सा, मतलब वो आधा भी घूम नहीं पाया। ये देखिए ये हाइड करके बना हुआ है, और घास का लगा के उसको मशीन में कटा हुआ है। वो तो हरा हरा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका बीच में एक छोटा सा देखिए खजूर पेड़ जैसा छोटा वाला सो पेड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। हम जाके थोड़ा सा बैठ के आ गए। और उसके बाद देखिए एक्सरसाइज करने के लिए ये सब बना हुआ है। और जगह में, मतलब बहुत जगह में हम देखा, अंदर उधर में कहीं कहीं जगह में ऐसे बना हुआ है। आप जिधर भी चाहे कर सकते हैं, एक जगह में हुआ है ऐसा नहीं है, बहुत जगह में बना हुआ है। बीच बीच में बहुत बड़ा एरिया है पूरा, मतलब अंदर में देखिए कितना बड़ा लाइट खूंटी है, बहुत कुछ है लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। थोड़ा घास भी हो गया है, बारिश का दिन है, इतना बड़ा एरिया है तो उसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए काम भी चालू है। साफ सफाई सब चल रहा है, लेबर लोग रोज काम करते हैं, देखभाल करते हैं आके इसके अंदर में। ये देखिए कितना हरा भरा दिखता है ना। देखिए बादल है ऊपर में, बारिश होगा कि क्या होगा, डर लगता है मेरे को। फिर भी सोचे थोड़ा घूम के चला जाएंगे। ये देखिए घास घूसी हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए अपना घरवाली आ रहा है उधर से। इधर भी देखिए ऐसा बना हुआ है, देखिए एक्सरसाइज करने के लिए बहुत जगह में है बीच बीच में। ये देखिए हम फिर लौट के जा रहे हैं, हो गया घूमना अपना, बारिश भी आ रहा है ना। देखिए हम निकल गए, बीबी हमारा आगे में जा रहा है हेलमेट पकड़ के। उधर